गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कमाल की रेसिपी लेके आए हैं। देखिए, ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको माइग्रेन है, सर में दर्द है, और बच्चों को सुबह शाम सर्दी शुरू होते ही खांसी शुरू हो जाती है, बुजुर्ग व्यक्तियों को खांसी शुरू हो जाती है। तो उनके लिए हमने आंवले की रोस्टेड रेसिपी तैयार की है। सबसे पहले मैंने दो आंवले लिए, छोटे छोटे, उनको कट लिए और काट के ध्यान रहे मैंने मिट्टी के बर्तन में उनको रखा है। ये एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान रखनी है। फिर हमने तवा लिया, गैस को ऑन किया और उन आंवलों को हमने गैस पे डाल दिया। धीरे धीरे चम्मच से आंवलों को हम अलट पलट कर लेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है, धीरे धीरे इसको हिलाना है, कोई चिकना नहीं डालना। बस आधी सी चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कर दीजिएगा और काला नमक ऐड करने के बाद आप इसको हिलाते रहिएगा। काले नमक में हल्के हल्के रोस्ट हो जाएंगे और जब भी बच्चों को खांसी आए, बड़े बूढ़ों को आए, दिन में सुबह शाम कभी भी ले सकते हैं। तो देखिए, आप सर्दियों की शुरुआत में ये रेसिपी एक दो बार अपनाएंगे तो बिल्कुल आपकी खांसी, जुकाम, माइग्रेन, सर में दर्द, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, हर को अपनाना चाहिए। जिसको नहीं है वो भी करे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमें रोस्टेड आंवले तैयार करने हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आगे एक सीक्रेट और है जो हमें ध्यान रखना है, तभी ये असर करेगा। हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से किस किस को कितनी खांसी चलती रहती है, क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, गर्जना नारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। माइग्रेन वाले विशेष ध्यान रहे, जब भी आप कभी भी सामने से निकले तो एक इसमें से आंवले की फांक को उठाइए और आप उसको चूसते रहिएगा, आपका माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जैसे ये पक गई है तवे पे, तो मैंने मिट्टी के बर्तन में ही इनको डाला है। जैसे ही आप मिट्टी के बर्तन में डालेंगे तो इनकी तासीर बिल्कुल बदल जाती है, इनके हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं जो आपके लिए एक दवा का काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।